नारद के महापंचायत में उमड़े भूमिहारों और मित्रों ने बड़ा आदेश दिया। नारद राय खुले मंच से बोले, जय श्री राम। अब देखना होगा कि नारद वादियों के आदेश पर नारद ने राम नाम लपेट लिया, इसका क्या परिणाम होगा? क्या नारद की सियासत चमक जाएगी? सपा मुंह के खाने गिर जाएगी? इन बातों पर गौर करना होगा। नारद के अपमान होने की सूचना पर कुछ समय में ही संसदीय क्षेत्र 72 बलिया के खोरी पाकड़ में 10,000 से ऊपर लोग जुट गए और अपमान की आग में जल रहे नारद को ताकत देकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। अब इन लोगों के आदेश पर जय श्री राम का नारा बुलंद कर अमित शाह के करीब पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के पास चुनाव होना है और इन सीटों पर भूमिहार मतदाता प्रभावी हैं। नारद के निर्णय के बाद अब क्या परिदृश्य होगा, यह आने वाला 1 जून बताएगा। सपा का सुपड़ा साफ हो गया या अभी कुछ बाकी है? देखिए, मीडिया के हमारे परिवार के लोगों, मैं जब से राजनीतिक जीवन में हूँ, विद्यार्थी जीवन से सबसे ज़्यादा सम्मान मैंने आपको दिया और आपने भी हमारा दिल खोल के साथ दिया। पैसा के बल वालों को आपने नकारा और लड़ाई लड़ने वाले को, संघर्ष करने वाले को आपने ताकत दिया, इसलिए मैं आपके दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। कल आप ही लोगों ने हमारी इच्छा शक्ति जगा दिया। अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था। आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है, आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़ करके, जनेश्वर मिश्रा सेतु, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सिवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया, क्या अखिलेश यादव नहीं बता सकते थे कि यह नारद राय के कहने पर मैंने किया? नहीं बताया, आपके कहने से सब मैंने याद किया और हमारे लोगों ने स्वतः स्फूर्त, देखे होंगे आप, कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए, किसी को न साधन दिया है न गाड़ी दिया है, सब लोग अपने गाड़ी करके, साधन करके मोहम्मदाबाद जहूराबाद से लेकर के बैरिया तक के आए हैं, सभी जाति के लोग आए हैं। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा, इन लोगों का जो फैसला हुआ उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा, तो मैं तो गढ़े में गिर जाऊंगा, इसलिए इनके फैसले के साथ खड़ा हूँ। सर, आपने अपमानित महसूस किए हैं, फैसला क्या लिया है, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा? अब जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे समय से चल रहा था, अचानक इस समय क्यों ले लिया? देखिए, सब समय पर होता है, अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ, हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का, उन्होंने कहा अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी अमिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं और नेताजी सेफ हाउस में ले गए, उन्होंने कहा अमिका चौधरी राजनीति बर्बाद हो जाएगी अगर नीरज शेखर चुनाव हार जाएगा तो। अच्छा लगा,
अखिलेश यादव कल घटना हुई, आज तक किसी से कुछ कहा? कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई? चाहे यहाँ का संगठन हो, चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो, किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था यह फैसला मैं नहीं लेता। लेकिन हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा? इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। सर, सर आपके साथ कितने लोगों ने समाजवादी पार्टी आज छोड़ी है? आपके साथ कितने लोग? अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला है। देखिए, दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। तो क्या अखिलेश कभी मनाने आएंगे तो आप मानेंगे? अब का मनाइबा जब बीत जाए बेरा तो अब दुल्हा खिजिया के बिना लड़की लिए लगाना चाहिए कहा कि तनी आके फिर सिंदूर दान करो। शिवपाल सिंह यादव से बात हुई, से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं नारद राय को मनाने जाऊंगा और नारद राय को मनाऊंगा। अब कम मनाएंगे, जब नारद राय की राजनीति खत्म हो रही है तो शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था यह फैसला नहीं लेता। मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ़ कर दिया, अभी माफ़ कर दीजिए। शिवपाल सिंह यह बात कह सकते हैं, सनातन पांडे यह बात नहीं कह सकते हैं। सनातन पांडे साहब ने क्यों नहीं पूछा, क्या कहा? यह बात तो सनातन पांडे को कहना चाहिए। सनातन पांडे ने और यहाँ के जिला अध्यक्ष ने साजिश किया, जो भाजपा के एजेंट है पहले से, तो मैं सपा का झंडा लगा के भाजपा की मदद नहीं करूंगा। मैं भाजपा का लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। अरे देखिए, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अब ये देखिए, मैंने अभी लोगों से अपना मन लिया। नेताजी, आप भाजपा का ज्वाइन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की तरफ इसी ओर पॉलिटिशन नहीं है? अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाइ, हाँ ए बुरी बात दिल नहीं, अखिलेश यादव पोटा हमें अब बह जाए यहाँ कब शुरू के लिए हन। नीरज शेखर को जिताने की अपील कर रहे हैं आपके मदद? अब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो इसे कहा बसपा वाला जीत जाए कहा? सर भाजपा में आपने आपको अपनी चीज़ भाई, मैं कहाँ हूँ मैं तो पता ही नहीं है। नारद राय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता, 45 साल से राजनीति करता हूँ तो यहाँ हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया? तो अभी कोई भी ना कोई दोस्तों पूछे तो क्या भविष्य दिखाई दिया? पार्टी इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपका मुलायम सिंह से रिश्ता रहा है, नरेंद्र मिश्र आपको इस पार्टी में शामिल भी करा, उनके शिष्य समाजवादी पार्टी जब आप छोड़ रहे हैं, किसी तरह का अफसोस सर इतने सालों बाद? बहुत अफसोस होगा, लेकिन जिसका बाप नहीं रहता है ना तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आज कल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा, अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। आप बतलाइए, हमारा टिकट काट दिया, हमको कोई इंतराज नहीं, लेकिन हमको चली टिकट मांगने ही के नाम पर किया जाएगा। पिछले विधानसभा में टिकट हमको सिर्फ इसलिए मिला, मीडिया के लोग खड़े हैं तो कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे और लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो मुझे कोई अफसोस ही नहीं था, तो उम्मीदवार ना नहीं, आप ही बुलाए, आप ही भगाए और आप ही गड़ोर रहे हो, आप ही आने के लिए कह रहे हो। उन लोगों के कहने पर जिन लोगों को नारद राय कभी कुछ समझा ही नहीं, याद होगा आपको 2002 में चुनाव लड़ा था तो यही अंसारी परिवार आकर के यहाँ कौमी एकता का उम्मीदवार भी लड़ा था और पर्चा भी बंटवाया था, तभी मैं विधानसभा में पहुंच गया था। कोई रोज नहीं, हम जनता को प्रणाम करके इन्हीं बातों के लिए आपके बीच में मैं, जो कल हमारे साथ हुआ सही कहा संचालक ने, मैं बीमारी की हालत में आया, मैं वीरपाल जी हमारे प्रभारी हैं उनके कहने पर आया, मंच पर हमारा नाम नहीं दिया गया, अगर मैं जानता तो शायद नहीं जाता, मुझे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जानता, गलती हो गई।
वहां मैं गया तो 40-45 साल से काम कर रहा हूं, सिक्योरिटी वालों ने सम्मान के साथ मंच पर पहुंचाया। जब माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन करने गए तो हमारा नाम नहीं लिया, नीचे से फोन आने लगा और कहा बच्चा पर बैठल बड़ा तू थपरा मार के भागत कहीं दिखो यहां से, और भी अजो फिर बात करें। तो मैं पूरे सभा में आप देखे होंगे कोशिश कर रहा था सामान्य ढंग से रहने की। सभा खत्म हुई तो माननीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि नेताजी रहते तो ऐसा नहीं होता, ये हमारे साथ साजिश हो रही है। तो उन्होंने कहा अरे नाम गलती से छूट गया। मैंने कहा गलती से नहीं छूट गया, मैं कोई 18-20 साल का लंडा लफाड़ी नहीं हूं। अगर नारद राय का नाम अखिलेश यादव जी से छूट गया तो अखिलेश यादव का भी नाम नारद राय छोड़ गया। सम्मान की एक दिन की जिंदगी अपमान के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। इसलिए उपस्थित लोगों, हमने आपको निमंत्रण दिया है गाजीपुर से लेकर तो बरिया तक के लोगों, सभी जाति धर्म के लोग मंच पर बैठे हुए, क्योंकि हमने इसको जाना ही नहीं। डरा होता मैं भी मियां लोग कहा था हम 6,000 के विधायक बने, ऐसा तू 1.5 लाख वही 2 लाख मुसलमान आ 2.5 लाख तुम बड़ो तो कहे न मिले हुए। हम तो हजारे पूरा करत लोग में हाफ ही जाता नहीं, बोली थोड़ा ही वही थोड़ा ही भूमिहार थोड़ा ही मुसलमान अब बाकी गोड़े ला की जुटाओ तुम्हारा। इसलिए उपस्थित हूं, आपको बुलाया, इतना प्यार स्नेह आपका मिलेगा इसका उम्मीद भी मैंने नहीं किया था। फिर आपका आप फैसला दीजिए, इस जलालत की जिंदगी से निकलूं कि ना निकलूं। सभी जाति के लोग हैं, बताइए हाथ उठाइए, यादव जी से लेकर के पंडित जी लोग तक, निकलूं कि ना निकलूं। वही का चंदा होने जा सकता है। राम सीधा से हमारे गुरु बोली बोली फिर गु बाबा की बोली बोली पशुपतिनाथ बाबा की बोली बोली हर राम ब्रह्मचारी की साइकिल में ताला इधर ही लगी कि ना लगी, एको कदम चले के ना चाहे के जमानत जब्त हो गई, कोई तरी लोग सभा में साइकिल के जमाना। ये हमारे साथ ऐसे हुआ, सनातन पांडे जी ने अभी तक टेलीफोन से भी एक बार नहीं कहा कि नारद राम मैं आपके साथ हूँ, जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता नहीं किया, नहीं किया। इस सनातन पाड़े को एक दिन का कार्यक्रम हुआ, यहीं पर हमारे सब नेता भीम चौधरी बैठे हैं, पता रहे सबके हेलो भीम चौधरी चलिए नाम दिया दो, झुनझुन सिंह प्रधान, झूना सिंह प्रधान, नीरज शेखर के खिलाफ ताल ठोकर के झुनझुन सिंह और झूना सिंह, झूना सिंह हमारे प्रधान निर्मल सिंह, सब लोग बच निकल के भाई पशुपति चचा के हमारे पशुपति सिंह जी, सभी हमारे यादव जयराम यादव प्रधान जी नंद जी यादव सब लोग आए, सब लोगों ने भगवान यादव सब लोगों ने खर्चा किया। नारद राय के साथ अपमानित हुआ किया गया,
सनातन पार्टी जी ने मंच पर कुछ भूल नहीं कर अमिका चौधरी तो कहते नारद रहे हमारा पर कहें खिजिए पूर्वचन बता आरोप खैले जाते नहीं हम पिता के है तो ककरा बखिए ककरा बखिजिए पता तारा जाने के चाहिए तो तू हमारा इज्जत के ख्याल न कर तो तोरों इज्जत के सर्वनाश हो जाओ यह संकल्प लेकर जाइए हाथ उठाइए साइकिल में ताला बंद कीजिए और वोट कहां दिया बताओ लो भाई और फिर साइकिल कह रही हो कहा कि नहीं दिया बोली Yeah.